जय श्री राधा महाराज जी। अब ये जो कह लोग कहते हैं कि मेरा हाथ बांध दिया, क्या काम बांध दिया, क्या मेरा शरीर में दर्द बांध दिया, ये कुछ कर दिया, ऐसा जब दुनिया कर्म करके सोती है तो हम अपना कर्म चालू कर देते हैं किसी का नुकसान करने के लिए। अच्छा, तो ये शक्तियाँ जाती हैं, तुरंत काम करती हैं, बावजूद उनके समय का समय नहीं देती, तुम्हें संभलने का समय नहीं। महीना कम नहीं होते महाराज, 3 महीने के अंदर तो आदमी चलता बनता है। प्रसाद जी की भांति मेरे शरीर से जो है ये मास्क रख गया, मुझे अनुभव हुआ कि हाँ मेरा मास्क गिर गया जमीन पर। चुबन होगी सुई की तरह, चु हो गए तो चुबन तो महसूस करोगे, करोगे और वो चुबन दिन पर दिन बढ़ती चली जाती। तो जय श्री राधे दोस्तों, बोल गोवर्धन महाराज की है। तो मैं आपको लगातार भक्तों के, श्रद्धालु के, साधु संतों के दर्शन कराता हूँ। गिरिराज जी महाराज हैं, देख रहे हैं आप क्या छटा है निराली अद्भुत। और उनके बिल्कुल तलहटी में, उनके नीचे, उनके सानिध्य में बैठा हुआ हूँ गिरिराज जी महाराज के। मेरे साथ महाराज जी हैं। तो दोस्तों आपके कई प्रश्न रहते हैं, आपने कई बार कहा है मुझसे कि हमारा ये बांध दिया, हमारी कमाई बांध दी, कि हमारे बच्चों के साथ में ऐसा कर दिया या ये कर दिया या वो कर दिया, तो क्या ये सत्य होता है या नहीं, इसका जो तथ्य महाराज जी देंगे। महाराज जी हैं हमारे साथ में और महाराज जी बताएंगे कि हाँ ये सब चीज़ें होती हैं या फिर इनके सामने सब चीज़ें फेल हैं। तो अब इसके बारे में महाराज जी से जानेंगे। तो जय श्री राधे महाराज जी। जितने भी कर्म होते हैं जी, पहले नंबर तो ये कि आदमी के भाग्य की रूपरेखा के ऊपर निर्भर करता है कि वो कर्म क्या करता है, उसको क्या भोग देना है, प्रसाद देना है। ये परमात्मा की रूपरेखा होती है, वो किसको कैसे देखते हैं। नहीं, सही बात। अब ये जो लोग कहते हैं कि मेरा हाथ बांध दिया, काम बांध दिया, क्या मेरा शरीर में दर्द बांध दिया, ये कुछ कर दिया, ऐसा भी होता है। होता है महाराज जी, ऐसा भी होता है। ऐसा कब होता है कि जो लोग तांत्रिक विद्या जाने हुए होते हैं, समझिए, वो तांत्रिक विद्या द्वारा, हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं जो बिगड़े किस्म के होते हैं ना, चाहे वो किसी भी कौम से संबंध रखता हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। थोड़ी बहुत मतलब जादू विद्या मतलब सीख लेते हैं, तांत्रिक विद्या जो है ना, और वो भोग प्रसाद दे करके भेज देते हैं किसी का नुकसान करने के लिए। अच्छा, तो ये शक्तियाँ जाती हैं ना, तो जिसको जैसा भेजता है खुराक दे करके, वैसे ही वो तुरंत काम करती हैं। ये तांत्रिक विद्या जो है एकदम तुरंत इधर भोग लगाओ और उधर काम कर दिया उन्होंने, तो कब तक बहुत तेज से। अरे वो तुरंत काम करती हैं, बावजूद उनके समय का समय नहीं देती, वो तुम्हें संभलने का समय नहीं देंगी। अच्छा, संभलने का समय नहीं, नहीं संभालते हैं, ये संभालते हैं, वे संभालते हैं, जबकि वो जिसके पास भेज रहा है, अगर वो चीज़ उनके पास, वो परमात्मा के प्रति लगन है, उसके लिए लगन है, तो उसे भेज रहा है वो, जिसने भेजा है, जिसके पास भेजा है जिसने, समझेंगे, और वो पहले से ही मतलब अगर परमात्मा का उसका भक्त बना हुआ है, उनका चाहता मतलब शिष्य है ना, तो उसे परमात्मा संभाल लेते हैं। लेकिन कहना दोनों को न मानते हैं, उधर से भी चलेंगे और उधर कोई उसको उधर क्यों मानेंगे, उधर के बस मानेंगे। ये मैं अपना उदाहरण देता हूँ, किसी और का नहीं, दुनिया संसार का उदाहरण देती है, मैं अपना उदाहरण देता हूँ सबके सामने। मैं इस लाइन में जब घुसा, परमात्मा ने मुझे आज्ञा दी घुसने की, नहीं तो जब से मैं चल रहा था कितने सालों से अंदर ही अंदर गश्ती में रह करके, नहीं तो एक दिन ये शक्ति जो किसी ने मेरे पास भेजी, 2014-15 की बात है, मैं नहा धो करके कपड़ा बदलने गया तो देखा कि खड़ा खड़ा ही जैसे कि 10 साल पहले, हाँ जैसे उस पर से उतरते हैं ना, क्या कहते हैं, सीढ़ियों से, नहीं 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 दीवार पर से प्रस्तर खराब हो जाता है, दीवार से प्रस्तर गिरता है ना, हर दिन जो सरक जाता है, इससे प्रस्तर की भांति मेरे शरीर से जो है ये मांस सरक गया। अच्छा? मुझे अनुभव हुआ कि हाँ मेरा मांस गिर गया जमीन पर, और मैं उसी क्षण में जो है मेरी पैंट इतनी बड़ी हो गई, जब पहनी मैंने पैंट डालो, जिस पैंट को डालो वही ढीली, जिस पैंट को डालो वही ढीली, मैंने किरे हो गया काम, गड़बड़ी हो गई, और मुझे अनुभव हुआ कि हाँ मेरा मांस गिर गया। नहीं, एक साथ महाराज, एक साथ मांस गिर गया, सारा जमीन पर गिर गया। अच्छा, है ना, लेकिन हमें परमात्मा ने दोनों तरफ की लाज रखी अपने भक्त की, उधर भी उसका भक्त भी उनका भक्त भेज रहा है हमें मारने के लिए, इधर दूसरा भक्त बैठा है मरने के लिए, जी लाज दोनों की रखी भक्ति करने के लिए ना। तो ये क्या, अगर हम इस लाइन में नहीं होते तो हो सकता है उसी टाइम क्षण में खत्म हो जाते। तो महाराज जी फिर साधारण इंसानों कैसे होता होगा, वो तो अगर इस लाइन में नहीं होते, लेकिन नहीं, भगवान के नहीं होते तो वो गुजर जाते हैं, नहीं बचा पाते। मेरी पत्नी जा चुकी है इस लाइन में जो है, तो फिर ये क्या करते हैं, मेरी पत्नी जा चुकी है, नहीं ये इनको दोष नहीं लगा सकते, आप इनको दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि करने वाला तो कोई और है,
नहीं करने वाला तो और है, बचाने वाला तो यही है, मारने वाले भी यही तो बाण, ये बचाने वाले तो ये जब बचाएंगे ना, जब हम इनके उसमें लगन में होंगे या इनके शरण में होंगे, तो मैंने वही तो पूछा महाराज जी कि जैसे भक्त हैं हम, लेकिन ये क्रिया नहीं जानते तो बचेंगे नहीं बचेंगे। हाँ, अगर भक्त हो तो फिर भी असर पड़ता है, बचाव होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं, अगर पूजा पाठ करते हैं भक्ति, हाँ भक्ति करते हैं तो लगन, लेकिन यहाँ तो दुनिया मार नहीं सकता किसी को, परेशान कर सकता है। अच्छा, तो ये चीज चलती है, जान से नहीं मार सकता। तो वो चीजें देखी बेटा, हम सुधर गए थोड़ी देर में, फिर परमात्मा ने हमको रखा, हम समझ गए, मैं कह रहे भगवान ने दोनों तरफ की लाज रखी, अपने भक्त की, उधर से भी आए और इधर से भी मां से का गुजारा चला दिया, तो गलत बचा दिया, गलत में भी साथ देते हैं भगवान। फिर वो समय गुजरा तो साल भर पीछे फिर एक और चीज आई आपके पास, हमारे पास फिर एक और आई, तो ये हृदय में चुभन हुई हमारे, एकदम सुई जैसी चुभने होगी, तो चुभन वो चुभन जो मेरी बढ़ती चलेगी। आप कैसे महसूस कर लेते हैं कि ये कोई बाहर की शक्ति है? ये महसूस तभी होती है जब तुम्हारे कोई परेशानी बढ़ती है। अच्छा अच्छा, नहीं और चुभन होगी सुई की तरह, चु हो गए तो चुभन तो महसूस करोगे, आप करोगे, और वो चुभन दिन पर दिन बढ़ती चली जाए तो वो तो हम इस भक्ति लान में थे तो हम उस चुभन को भी महसूस कर रहे हैं, और हम भक्ति लान में होते तो वो तो चंद रोज में 3 महीना कम नहीं होते महाराज, 3 महीने के अंदर तो आदमी चलता बनता है। अच्छा अच्छा, ले जाएगा उठा करके ऊपर वाले ना, लेकिन वो 3 महीने तक मेरी चुभन लगातार बनी रही ना, जो 3 महीने बाद ज़्यादा परेशानी बढ़ी और मुझसे सहन नहीं हुई, तब हम एक तांत्रिक के पास गए, हमने उसको कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, हम उठते बैठते थे, दिल्ली की बात आई है ये, तो वहाँ उसे जानकारी ली हमने, भाई ऐसे ऐसे बात है हमारे साथ, ये कहानी हो रही है, उसने कहा तुम जानते हो सब कुछ हो, करना नहीं चाहते। अच्छा, 3 बार पूछा मैंने उससे, 3 बार में उसने मतलब कि यही शब्द किया कि जानते सब कुछ हो लेकिन करना नहीं, करना नहीं चाहते। हमने उसको कहा भाई क्यों मतलब झाड़ पे बैठा रहा है हमारे लिए, इस धंधे को हम जानते तो हम इन करते नहीं, इस धंधे को हम भी कर लेते नहीं, तू इस काम को करता है बता तो सही, इसके रोकथाम बता दे। बोले नहीं तुम सब कुछ जानते हो, उन्हें टाल दी कहानी और बताया नहीं, बोले तुम करो तुम्हारे द्वारा हो जाएगा। मैं कहा, कहने का मतलब ये महाराज जी, जब दुनिया कर्म करके सोती है तो हम अपना कर्म चालू करते हैं, वो समय हमारा होता है, और जब दुनिया कर्म करने के लिए उठती है तो वो समय हमारा मतलब सोने का होता है। तो एक दिन क्या हुआ महाराज जी, तो ये दूसरे दिन जब भक्ति पे हम बैठे, पहली क्रिया मेरी ख़त्म हुई, पहली क्रिया ख़त्म होने के बाद में वो दर्द अचानक खड़क से उठ के खड़ा हो गया, नहीं हमने कही प्रभु की जागृति हो गई, वहीं हमने अपनी दूसरी क्रिया को रोका, प्रभु से ज्ञान लेना शुरू कर दिया, ये कैसे कैसे होगा, जैसे जैसे उन्होंने रास्ता बताया बस सब कर्म हमने कर दिया, और हम उनको प्रार्थना करी मैं प्रभु जहाँ से भी इसको लाए उठा के उसी को दे दो, उसी के पास पहुंचा दो इसे, ना उन्हीं का सब कुछ ना उठा के दे दिया, वो दर्द खत्म हो गया। अच्छा, दर्द खत्म हो गया फिर नहीं, जैसे आप तो खैर जानते थे लेकिन जो नहीं जानते तो उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप, भक्ति क्या कैसे? हाँ, ईश्वर के अलावा कोई इनको नहीं, तो कैसे हो किसकी, ईश्वर को आप किसी भी नाम से जपो जो ईष्ट हो अपने, अच्छा सब तैयार रहते हैं तो उससे क्या होगा, नाम से तैयार उससे क्या होगा, शक्तियाँ मिलती हैं, ताकत मिलती है, और जो बाहरी जो शक्ति आक्रमण कर रही है तो उससे प्रभाव थोड़ा कम, उनको बचाव करते हैं, बचाव प्रभाव कम होता है, प्रभाव कम हो जाता है। तो ऐसा भी होता है कि महाराज जी बिल्कुल कोई असर भी ना डाल पाए, असर तो जरूर पड़ेगा। अच्छा, उदाहरण के तौर पर ऐसा है जैसे कि आपने किसी की दुश्मनी है या किसी से पैसा ले रखा है, नहीं कोई आदमी तुम्हें मारने आ रहा है और वो सोच के आ रहा है कि आज मैं उसको मारने जाऊंगा और मार के ही रहूंगा, जान से मार दूंगा आज उसको, घर से निकला है बड़े गुस्से में, नहीं और तुम्हारे यहाँ तक तुम आ रहा है वो, और तुम परमात्मा के ध्यान में मगन हो, उनसे लगन अच्छी है तुम्हारी और परमात्मा की रूपरेखा अगर तुम पर अच्छी बनी हुई है, छाया पड़ रही है, तो वो तुम्हारे यहाँ तक आते आते उसे इतना नॉर्मल कर देंगे कि वो प्यार से बतलाएगा, 1-2 दफ़ा थोड़ी बहुत गुस्सा दिखाएगा और उसके बाद वो ठंडा पड़ता चला जाएगा, आएगा जरूर, तुम्हारे दवाई तक, तुम्हारे पास तक आएगा जरूर, वो बट टलने वाली नहीं है, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, थोड़ा बहुत मतलब जो कुछ उन्हें बोलना बांधना है, थोड़े ठंडे पड़ के काम लो, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ, उन पर भरोसा रखना, मैं देखता हूँ कि आजकल भगवान पर भरोसा उठा दिया है लोगों ने, भक्तों ने, और ऐसे उनमें ज्यादा ध्यान देने लग गए, जब भी तो कष्ट भोगना है फिर, सही बात, तभी तो कलयुग है, तभी तो कलयुग है, इसी का नाम तो कलयुग है, वरना भगवान का अगर वो करें तो वो भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं, उनके अलावा तो कुछ है ही नहीं, प्रभु के अलावा, उनके अलावा कुछ जो भी इष्ट हम मानते हैं, जैसे मैं भगवान शंकर को मानता हूँ, दुर्गा मैया को मानता हूँ, अब ये तो सही बात,
अब आप ये देख लिया कि मैं इतने दिन से यहाँ पढ़ा हूँ, मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ, इतने दिन से मैं यहाँ पढ़ा हूँ, नहीं किसी के दरवाजे पे मांगने नहीं गया, किसी भंडारा खाने नहीं गया, और वो किसी न किसी के द्वारा भोजन पहुँचा रहे हैं तो उन्हीं की तो कृपा है। और तुम्हारे सामने जंगल में पढ़ा हूँ, किसी गाँव तो गाँव के अंदर नहीं जा रहा, किसी आश्रम में नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी भोजन पहुंचाते हैं वो। सही बात है जी, कृपा है महाराज। भंडारे में जाओ तो वहाँ से वापस लौटा, चल है तेरा काम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक महात्मा जी लेके गए हमें दो 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 जगह भंडारे में, और वहाँ भंडारे नहीं खाने मना कर दी, आज्ञा नहीं दी, नहीं चल यहाँ से फक उनको कहा मैंने महात्मा जी, महात्मा जी आप भंडारा करो, मुझे चलो, मुझे यहाँ से मैं दूर बैठूँगा, मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। तो मैं उनसे दूर हो गया जी, ताकि तीसरा आदमी ना कह सके भाई भंडारा खा लो महात्मा, सही बात है जी, गड़बड़ी हो जाए। अब उन्हें तो बेचारों को क्या पता है हमारे बारे में, बिल्कुल नहीं, तो हम इसलिए दूर रहे महाराज जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि महाराज जी ने खुद अपनी वाणी से बताया है कि कोई भी इतना महत्वपूर्ण नहीं होता अगर आप भक्त हैं भगवान के, अगर आपका जो इष्ट है आप दुर्गे मैया की करते हैं, आप प्रभु श्री कृष्ण की करते हैं, आप भोलेनाथ की करते हैं, बजरंगवली की करते हैं, किसी की भी करते सही, आप गोवर्धन महाराज की करते हैं जो साक्षात विराजमान है, अगर इनके भक्त हैं तो वो चीज़ आपके ऊपर असर बिल्कुल नहीं डाल पाएगी। अगर आप विचलित होते हैं तो ये माने कि भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं स्वयं, जिनकी आप पूजा करते हैं। अगर आप भक्ति नहीं करते, अगर आप पूजा पाठ नहीं करते, तो फिर आप जो सोचते हैं वही होगा। लेकिन अगर आप भक्ति करते हैं तो सब चिंता फिक्र भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, सब वही करता है, सब अच्छा बुरा जो आपके लिए तय कर दिया है उसने वही करेगा, कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता, कोई भी आपका अच्छा नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान के अलावा। यही महाराज जी ने भी हमें दिल्ली में जो मेरे पास वो कुछ आया था कमर टेढ़ी करने वाला जी, जब उसके बारे में मैंने ज्ञान लिया मैं कि ये तुम्हारे लिए कुछ ध्यान करता है, मैंने नहीं करता, मैं कुछ धूप बत्ती अगरबत्ती कुछ लगाता है कि नहीं लगाता, अच्छा। मैं कि इसकी पत्नी कुछ करती हो कि नहीं, कोई कुछ नहीं करता ना, जब नहीं करते तो ऐसे आदमी को तो दंड मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना, बिल्कुल सही। और फिर ऐसे लोग हमारे जैसे टकरा जाए तो हमारे जैसे मतलब कि हमें अपना नुकसान करते हैं सर। वही तो कह रहा हूँ, आप उनकी सिफारिश कर रहे हैं, हम उनकी सिफारिश कर रहे हैं, उनके रास्ते में हम रोड़ा अटका रहे हैं, रोड़ा अटका रहे हैं, सही है। तो हमारे जैसे ये भी कहानी बन जाती है हमारे सामने, अच्छा अच्छा ना। तो बहुत से लोग कहते हैं नहीं कि ये काम तुम्हारे लिए सही नहीं है, जब परमात्मा ने उन्हें दंड निर्धारित कर दिया और तुम उनको दंड को तुम लगने नहीं देते, सही है नहीं। तो ये ऐसी भी कहानी बन जाती है, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि तुम्हारी शरण में जब प्रभु आ ही गया है तो फिर माफ़ी कर दो, तो माफ़ कर दो, तो इस तरह से वो काम अपना करते हैं, सही बात। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कि महाराज जी ने बताया कि भगवान की भक्ति के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है, भक्ति करते रहें, लगन लगाए रहें, कोई भी कुछ नहीं होगा आपके साथ में, सब अच्छा होगा, और वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो जय श्री राधे, ऐसी दोस्तों मेरे साथ बने रहें, भक्ति की और श्रद्धालुओं के दर्शन करते रहें और भक्ति की वीडियोज़ देखते रहें। जय श्री राधे, बोल गोवर्धन महाराज की जय।